हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूट्रिशन नोट, जहाँ भी हम बात करते हैं हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। आज हम बात करेंगे सफ़ेद पेठे के जूस के बारे में। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि सफ़ेद पेठे का जूस हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और सही समय क्या है इसे खाने का। सफ़ेद पेठे का जूस हमारे आंतों को साफ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। यह हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश अप। इसमें देखें तो कैलोरीज 13% होता है, वाटर 96% एंड विटामिन सी की मात्रा 13 mg होता है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। फर्स्ट, ये हमारे वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सेकेंड, ये हमें पूरे दिन हाइड्रेट रखता है। थर्ड, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इससे हमारे स्किन में अलग ही ग्लो आता है। फोर्थ, ये हमारी एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज करता है। अब हम बात करेंगे कि ये एस्कार जूस या सफ़ेद पेठे का जूस कैसे बना है। सो पहले हमें लेना होगा एक सफ़ेद पेठा, उसे हम बीच से कट करेंगे। अब हम इसके छिलके निकालेंगे, पूरे छिलके अच्छे से निकल जाना चाहिए। फिर हम इसके पूरे बीज को निकालेंगे। अगर छिलका और बीज रह जाएगा तो हमारा जूस तीखा बनेगा, इसलिए मेक श्योर कि छिलका और बीज अच्छे से निकाल लें। अब हम इसे छोटे छोटे स्लाइस में कट करेंगे। जनरली तो ये जूस का कोई टेस्ट होता नहीं है, बस इसका पानी जैसा ही टेस्ट होता है। ना ये तीखा होता है, ना मीठा होता है, ना खट्टा होता है। तो ये हमारा कट गया है। एक जार में पीसेस को डाल के इसमें थोड़ा पानी मिला के उसको ग्राइंड करेंगे। अब ये रेडी हो गया है। ये थोड़ा थिक है इसलिए मैं इसको छान रही हूँ। आप चाहे तो एक कॉटन कपड़ा लेके उसमें डाल के भी छान सकते हो, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कप एक बात हमेशा ही याद रखिए कि ये जूस बनाने के 15 मिनट्स के अंदर ही आप इसे पी लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इसे स्टोर करके रखेंगे तो इसके सारे बेनिफिट्स चले जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस जूस को पीने का। जनरली मैं ये जूस में मिंट्स, नींबू ये सब डाल के पीती हूँ। आप चाहे तो इसमें नारियल पानी भी मिला सकते हैं, तो थोड़ा सा माइल्ड, थोड़ा मीठा टेस्ट आ जाएगा, अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें नींबू मिला रही हूँ एंड थोड़ा सा मैं मिंट डालूंगी फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो चाट मसाला मिलाइए, नहीं तो मत मिलाइए। सॉल्ट रखिए या नहीं रखिए, मैं जनरली नहीं रखती हूँ, बट आज मैं ऐड कर रही हूँ। सो ये हमारा जूस रेडी हो गया। इसे रोज़ सुबह खाली पेट पिए या फिर इसे पीने के 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। Okay.